Once the record has been established, this is the duty of the psychologist to take care of its confidentiality. Confidentiality of the record is something very important in ethical issues. Therapy is based on privacy and secrecy. This is something which we all know that the process of therapeutic intervention could not be open and could not be shared with everyone in a very easy manner. एंड द ब्रीच ऑफ़ कॉन्फिडेंशियलिटी डिस्ट्रॉय द थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप जैसे ही आपके क्लाइंट को ये पता चलता है कि आपकी पर्सनल इंटीमेट बातें आपके साइकोलॉजिकल फीयर्स आपकी साइकोलॉजिकल प्राइवेसी आपके थेरेपिस के थ्रू ओपन हो गई है दूसरे लोगों के साथ अंडर कंसिडरेशन या डिस्कशन में है या आपका केस एक ओपन फोरम पर बात किया जा रहा है तो द वेरी मोमेंट दैट कॉन्फिडेंशियलिटी इज ब्रीच और थैरेप्यूटिक इंटरवेंशन का जो पर्पज़ है वो रियून हो जाता है

फॉर द प्रोविजन ऑफ मैनी साइकोलॉजिकल सर्विसेज, साइकोलॉजिकल सर्विसेज का सबसे बड़ा अलमिया ही यही है कि अगर वहाँ पर रिकॉर्ड्स की प्रॉपर कीपिंग नहीं की जाती या उसकी प्रॉपर जो है वो टेक केयर नहीं की जाती या उसको मेंटेन प्रॉपर नहीं किया जाता तो वहाँ पर काफ़ी सारे इश्यूज जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं डिस्क्लोजर ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसीजर

वहां पर यह बात डॉक्यूमेंट की जाती है के अगर खुदा नखास्ता कोई ऐसी क्लाइंट की वेलबींग well को कोई थ्रेट हुआ स्टेट की वेलबींग well को कोई थ्रेट हुआ या जो वो क्लाइंट है वो किसी दूसरे लोगों के लिए थ्रेट हुआ तो उन कंडीशन में उस कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच किया जा सकता है मेंटेनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द रिकॉर्ड्स

वो सारा हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर हमारे पास हर चीज की प्रॉपर माइन्यूट डिटेल्स अपने रेकर्ड्स में अवेलेबल होगी इन द केस ऑफ द डेथ और डिसबिलिटी ऑफ द साइकोलॉजिस्ट और एन अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफर ऑफ द क्लाइंट्स केयर टू अनदर प्रोफेशनल करंट एक्यूरेट एंड अलाउ फॉर द ऑफ केयर सबसे बड़ी जो वेलबींग well है वो क्लाइंट की इसी में है कि उसका कंप्लीट रिकॉर्ड मौजूद हो ताकि अगर किसी भी सिचुएशन में डिसप्लेसमेंट ऑफ द थेरेपिस्ट होती है तो उसका वो रिकॉर्ड एज़ इट इज़ एक अगले कम्पिटेंट प्रोफेशनल को शेयर किया जा सके और वो वहीं से उसके ट्रीटमेंट को शुरू कर सके रादर दें कि उसको बिगनिंग से लेके चले या उसको इनिशियल थेरेपी से स्टार्ट किया जाए उसकी जो ट्रीटमेंट का प्रोसेस है उसका फॉलोअप रेगुलर होता रहे और वो एक सस्टेनेबल ट्रीटमेंट की तरफ चलता रहे द साइकोलॉजिस्ट में यूज वेरियस मैथड्स टू ऑर्गेनाइज रेकर्ड्स टू असिस्ट इन स्टोरेज एंड रिट्रीय यानी दोनों प्रोसेस में कि आपने उसको संभाल के कैसे रखना है और उसको टाइम पड़ने पर रिट्रीव कैसे करना है उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस यूज हो सकते हैं मैथड्स ऑफ रेकलिंग कॉन्सिस्टेंसी एंड लॉजिक आर लाइकली टू बी द मोस्ट यूजफुल फॉर एग्जाम्पल लॉजिकल फाइल लेबलिंग सिस्टम फेसिलिटेट द सर्च एंड रिकवरी ऑफ द रिकॉर्ड्स अब हर एक थेरेपिस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग uh, के मुताबिक अपनी लॉजिक के मुताबिक अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करता है वो अल्फ़ाबेटिकली हो सकती हैं वो कोई प्रॉब्लम uh, के अकॉर्डिंगली डिवाइस की हुई हो सकती हैं वो टाइमिंग्स के अकॉर्डिंगली सेशंस डिवाइड किए हुए हो सकते हैं वो क्रिटिकल क्लाइंट्स और रेगुलर क्लाइंट्स और मॉडरेट प्रॉब्लम के साथ आने वाले क्लाइंट्स उनके अकॉर्डिंगली टैग uh, की हुई हो सकती हैं तो वट एवर द लॉजिक द साइकोलॉजिस्ट फाइंड मोस्ट सूटेबल they are going to categorize their system of filing according to that and that will help them to retrieve the information whenever they required at a very immediate basis